गाइस, सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपको पुराने वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में नॉन एक्विस्टेट्रिशन अल्किलीमेट्री बताऊंगी। और एसिडिमेट्री से कंटिन्यूएशन में ही आती है हमारी अल्किलीमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बी फार्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, वेयर एज डी फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नॉन एक्विस्टेट्रिशन अल्किलीमेट्री। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। बट आपसे उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और ऐसे वीडियोस जो है, एजुकेशनल वीडियोस जो है, आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सो टुडे आज है अल्किलीमेट्री इन नॉन एक्विस्टेट्रिशन के बारे में आपको मैं कंटिन्यू बताती हूँ। वीकली एसिडिक फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस टाइट्रेट करते हैं इफेक्टिवली किसका यूज करके, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करके। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें शार्प एंड पॉइंट चाहिए। और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड एनहाइड्राइड एसिड, अमीनो एसिड, एसिड हैलाइड, इनॉल्स, ये सारे जो हैं बारबिट्यूरेट, ज़ैंथीन, सल्फोनामाइड, फिनॉल, एमाइड, लास्टली द और ऑर्गेनिक साल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ये सब अपन टाइट्रेट कर सकते हैं नॉन एक्विस्टेट्रिशन के थ्रू और हमें शार्प एंड पॉइंट मिलता है। जहाँ तक के लिए वीक इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो भी, जैसे बोरिक एसिड भी एस्टिमेट कर सकते हैं हम, पर उसके लिए हमें सही सही सॉल्वेंट सिस्टम एम्प्लॉयड यहाँ पर करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इथिलीन डायमाइन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा जब हम बोरिक एसिड का एस्टिमेशन करते रहे नॉन एक्वस एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब अपन प्रिपेयर करते हैं इसमें 0.1 नॉर्मल पोटेशियम मिथॉक्साइड इन टाउलिन मीथेनॉल। मटेरियल रिक्वायर्ड है अब्सोल्यूट मिथेनॉल, ड्राई टाउलिन और पोटेशियम मेटल। प्रोसीजर है हमको ड्राई फ्लास्क में मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल 40 ml और ड्राई टाउलिन 50 ml उसको कवर कर देना है, लूजली कवर करना है। केयरफुली फ्रेश पीसेस जो पोटेशियम के कट करके डालना है, 5.6 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। फिर ग्रेजुअली और कॉन्स्टेंट शेकिंग के साथ हमें उसे मिक्स करना है, डाइल्यूट करना है पोटेशियम मेटल को। जब वो कंप्लीट डाइल्यूट हो जाता है उसमें हमें इनफ अब्सोल्यूट मिथेनॉल जो है वो ऐड करनी है ताकि हमें क्लियर सॉल्यूशन मिले, ठीक। फिर टॉलिन ऐड करना है 50 ml और कांस्टेंट शेक करते रहना है एंटिल द मिक्सचर टर्न्स हेजी इन अपीयरेंस। क्लियर सॉल्यूशन किसमें नहीं चेंज हो जाए, हेजी अपीयरेंस जब तक ना देने लगे तब तक अपन को उसको कांस्टेंट शेकिंग जारी रखनी है। द प्रोसेस इज रिपीटेड बाय ऑल्टरनेट एडिशन ऑफ मिथेनॉल एंड बेंजीन अंटिल 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज टेंट, ठीक। ये अपन को करना है। उसके बाद अपन आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड। कैसे प्रिपेयर करना है? इट इज एक्जैक्टली प्रिपेयर्ड सेम मैनर जैसे कि अपन ने पोटेशियम मेथॉक्साइड बनाई थी, यूजिंग 2.3 ग्राम ऑफ फ्रेशली कट सोडियम। पोटेशियम की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे? सोडियम यूज कर देंगे। वहीं अपन को लिथियम मेथॉक्साइड बनानी है तो क्या करना है? 7.5 ग्राम ऑफ लिथियम यूज़ करना है पोटेशियम की जगह पे। और फिर अपन स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल मिथॉक्साइड सॉल्यूशन का, तो उसके लिए अपन को डायमिथाइल फॉर्माइड 10 ml लगेगा, थायमोल ब्लू लगेगा 0.3% इन MEOH और 0.1 नॉर्मल लिथियम मिथॉक्साइड लगेगी टाउलिन मिथेनॉल के साथ। बेंजोइक एसिड लगेगा 0.6 ग्राम। प्रोसीजर अपन को ट्रांसफर करना है क्लोनिकल। हाँ, तो प्रोसीजर क्या है? ट्रांसफर करना है 10 ml ऑफ DMF इन अ क्लोनिकल फ्लास्क और इसमें ऐड कर देना है 3 to 4 drops ऑफ थायमोल ब्लू एंड फर्स्ट न्यूट्रलाइज करना है हमको एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन DMF, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। और फिर टाइट्रेट कर देना है अपन को 0.1 नॉर्मल लिथियम मिथॉक्साइड इन टाउलिन मिथेनॉल, ठीक। और क्विकली इंट्रोड्यूस करना है अपन को 0.06 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, टाइट्रेट इमीडिएटली उसको टाइट्रेट कर देना है हमें मिथॉक्सी ऑक्सीडिन टाउलिन मिथेनॉल के साथ। क्यों ऐसा करना है? केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइज लिक्विड विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका बिल्कुल उसको कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में आया तो क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा। और अगर कंटेमिनेट हो गया
तो क्या होगा, कंटेमिनेट होगा तो ठीक से हमारा टाइट्रेशन का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इक्वेशंस है, दिख रही है आपको, NaCH3+CH3NO इंटरेक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड मिथेनॉल, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए जो है स्पेशल केयर होनी चाहिए मेटल को ऐड करने वक्त। अगर स्पेशल केयर नहीं रखी गई तो क्या होता है, जलने की भी जो है वो चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत स्पेशल केयर अपन को रखनी पड़ेगी। आगे चल रहे हैं अपन, सारे इक्वेशंस अपन को दिख रहे हैं, H2O CH3ONa CH3OH+NaOH, H2CO3+2H3ONa gives 2CH3OH+Na2CO3। द क्लियर सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड मस्ट बी कैप्ट अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड एटमोसफियर CO2। ना तो मॉइस्चर आना चाहिए ना ही एटमोसफेरिक CO2 आना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना है। अगर नहीं कर देंगे टू एम तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्बिडिटी बन जाएगी, जो कि सही नहीं है, ठीक है। रिएक्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को ऑन द स्क्रीन, नंबर टू रिएक्शन, नंबर थ्री रिएक्शन, और इन सबको जब समराइज करते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है, C6H5COOH+CH3ONa गिव C6H5COOH+CH3OH, ठीक। पहले स्टेप में इट शोज द सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। स्टेप टू में करता है, इट डिपिक्ट्स द आयनाइजेशन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड, हमारा बोलता है इट इलस्ट्रेट एंड इंटरैक्ट बिटवीन द सॉल्वेटेड प्रोटॉन एंड मिथाइलेटेड आयन। इलस्ट्रेट करता है इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, सॉल्वेटेड प्रोटॉन और मिथाइलेटेड आयन के बीच में। ये था स्टेप थ्री। जब अपन समिंग करते हैं तो नेट रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड द सॉल्वेंट DMF एंड द टाइट्रेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड कंज्यूम्ड बाय DMF और मे बी कंसिडर्ड एज ब्लैंक डिटर्मिनेशन। और हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, उसको एक ब्लैंक डिटर्मिनेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देते हैं N/10 KOH इन मिथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो डिसॉल्व करना है आपको 5.6 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस KOH इन 100 ml ऑफ एनहाइड्रस मिथेनॉल में। ये उतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो टाइट्रेंट नहीं है, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये रिएक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप के साथ और प्रोड्यूस करता है एक वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारे टाइट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ऑल टाइट्रेंट्स आर यूजुअली स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट स्टैंडर्ड बेंजोइक एसिड ARCREAT। बेंजोइक एसिड के अगेंस्ट अपन उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। सफिशियंट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड लेना है वुड गिव द टाइट्रेट वैल्यू ऑफ 20-30 ml। ट्रांसफर करना है आपको ड्राई फ्लास्क में, डिसॉल्व करना है 25 ml डाई मिथाइल फॉर्मामाइड में, ऐड करना है 2-3 ड्रॉप्स ऑफ 0.5% थायमोल ब्लू इंडिकेटर उसमें, और ड्राई मिथेनॉल को भी एडिट करना है सॉल्यूशन में। ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म क्यों करना है, टू अकाउंट एसिडिटी इम्प्योरिटी इन डायमिथाइल फॉर्मामाइड। आपको जो एसिडिक इम्प्योरिटी है डायमिथाइल फॉर्मामाइड में, उसको रिड्यूस करने के लिए जो है आपको इसका ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करने से क्या है, करेक्शन जो है वो हो जाता है, एरर में एरर का करेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं एसिड ऑफ इथोसक्सिनामाइड मटेरियल रिटॉय, इथोसक्सिमाइड 0.2 ग्राम्स, डायमिथाइल फॉर्मामाइड 50 ml, अजो वॉलेट 0.1% वेट बाय वॉल्यूम, DMF 2 ड्रॉप, सोडियम मेथॉक्साइड 0.1 नॉर्मल लेंगे। प्रोसीजर करना है, पहले वेट करना है हमको 0.2 ग्राम सैंपल का, फिर डिसॉल्व करना है उसको 50 ml ऑफ डायमिथाइल फॉर्मामाइड में, एड 2 ड्रॉप ऑफ अजो वॉलेट सोल्यूशन एंड टाइट्रेट विद 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड टू अ डीप ब्लू एंड पॉइंट। ये देगा आपको डीप ब्लू एंड पॉइंट इनका टाइट्रेशन। प्रिकॉशन आपको वही लेना है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और ब्लैंक टाइट्रेशन भी आपको इसका परफॉर्म करना है ताकि आपका जो भी एरर करेक्शन है वो हो पाए। अब इसका इक्विवेलेंट फैक्टर दिया है 0.01412 ग्राम ऑफ C7H11NO2। ये रिएक्शंस आ गए हमारे, रिएक्शन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर। NaOMe के साथ हुआ था, Na जो है वो जाके इधर जुड़ जाता है और MeOH बच जाता है। कैलकुलेशन में वही इक्विवेलेंट फैक्टर दिया गया है NaOMe का, ठीक है। होप
आपको अल्कलीमेट्री के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें और मुझे बताएं आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। और फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो लाइक दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे ये बहुत मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेम्ड फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।